हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ मैथ्स का चैप्टर वन द फिश टेल। इसको पूरा जो है हम लोग जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे देखेंगे। तो देखिए, जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले आपको एक पोएम वगैरह लिखनी है, वो तो मैथ्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश कैन यू इमेजिन? आप सबसे बड़ी फिश कितनी इमेजिन कर सकते हो? तो देखिए, सबसे बड़ी फिश होती है वाइट शार्क, जो कि 18 मीटर्स की होती है। तो सबसे बड़ी फिश होती है वाइट शार्क, जो कि 18 मीटर लॉन्ग होती है। तो आप भी कह सकते हैं, आई कैन इमेजिन अ फिश अबाउट 18 मीटर लॉन्ग। मैं इतनी बड़ी फिश इमेजिन कर सकता हूँ जो 18 मीटर लॉन्ग हो, लंबी हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश? तो सबसे छोटी फिश से जो है वो आपकी सबसे बड़ी फिश कितनी मतलब लॉन्ग होगी? तो देखिए, जो स्मॉलेस्ट फिश होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है, और लॉन्गेस्ट फिश तो होती है वो होती है 18 मीटर लंबी, है ना। तो 1 सेंटीमीटर और 18 मीटर, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे छोटी फिश 1 सेंटीमीटर की होती है, सबसे बड़ी फिश 18 मीटर की, और 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये चीज़ अच्छे से याद करिए, पूरी बुक में आपको इसका काम आएगा, 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है, देखिए हमसे क्या कहा गया, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ बिगेस्ट फिश, बिगेस्ट फिश छोटी फिश से कितनी ज़्यादा, कितने टाइम्स बड़ी है। तो कोई भी चीज़ कितने टाइम्स बड़ी है, कितने टाइम्स छोटी है, जब भी टाइम्स वाली चीज़ आ जाती है तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो छोटी फिश बड़ी फिश से, सॉरी, बड़ी फिश जो है वो छोटी फिश से कितनी टाइम्स बड़ी है, तो हम बता देंगे कि 18 मीटर है। 18 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। चेंज क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, हमें एक ही यूनिट में हमेशा दोनों चीज़ों को रखना होता है जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर में था और 1 मीटर में था, तो हमने क्या किया, इसलिए सेंटीमीटर से और मीटर में, तो हमने दोनों की दोनों चीज़ों को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो हमने 18 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज किया तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 18 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 18 × 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1800 या फिर 1800। तो लॉन्गेस्ट फिश जो है वो 1800 टाइम्स लॉन्गर है, बड़ी है सबसे छोटी फिश से, वाला क्वेश्चन हो गया। अब एनसीईआरटी का जो पेज 3 है उसके क्वेश्चंस देखते हैं। अबाउट हाउ मेनी केजीज डू यू वे, आपका वेट कितना है? तो आपका वेट देख लीजिए कितना होगा, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, मैंने यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, जो भी आपका वेट हो आप लिख सकते हो। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट, अगर आपका वेट 35 है तो अगर आपके जैसे 12 बच्चे सेम आपके वेट के हों तो टोटल वेट मिला करके कितना हो जाएगा? तो देखिए, जब भी हमें टोटल निकालना होता है और बहुत सारी क्वांटिटी होती है, जब एक दो क्वांटिटी होगी तो हम लोग प्लस कर लेंगे, मगर बहुत सारी क्वांटिटी हैं, हमें 35 kg के 12 बच्चों का वेट निकालना है। तो वेट ऑफ 1 child इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 35 kg, वेट ऑफ 12 children इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 35 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 420 kg। तो कैसे आया, हमने 1 children का वेट हमारे पास था 35 kg, 12 का निकालना हो 35 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 12 को हमने मल्टीप्लाई किया 35 से। तो मल्टीप्लाई तो देखिए ऐसे होता है कि 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो हमारा हो जाएगा 10, ऊपर 1 carry चला जाएगा, कैरी को आप ऐसे लिखा करिए। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 1 = 5 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ये वाला जो नीचे होता है, जब नीचे जाते हैं तो ऐसे करके कट लगा देते हैं। फिर 3 को 2 से, 3 × 2 = 6 और 3 को 1 से, 3 × 1 = 3। अब ये जो भी आया पूरा ऐड हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, 6 + 6 हो जाएगा हमारा 12, तो ऊपर कैरी 1 चला गया और 3 + 1 = 4, तो हमारा आंसर आ गया 420। तो 12 को हमने 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक वेट का बच्चा, जो एक बच्चे का वेट था 35 kg था, 12 बच्चों का वेट, 12 × 35 420 kg हो जाएगा। अब आता है, अबाउट हाउ मच मोर द व्हेल शार्क वे देन 12 children लाइक यू पुट टुगेदर। तो देखिए,
एक शार्क का वेट कितना होगा अगर आपके जैसे 12 बच्चों को एक साथ रख दिया जाए तो? तो 12 बच्चों का वेट हमने निकाल लिया 420, और एक शार्क का जो वेट होता है वो होता है 16,000 kg। बहुत ही भारी होती है शार्क। तो देखिए वेट ऑफ वेल शार्क होता है 16,000 kg। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा होता है। वेट ऑफ वेल शार्क इज़ इक्वल्स टू 16,000 kg। और वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन कितना निकाला था हमने पिछले क्वेश्चन में? 420 kg। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है अबाउट हाउ मच मोर डज वेल शार्क वे, कितना ज़्यादा आपसे वे करेगी। तो मतलब कितना ज़्यादा करेगी जब कोई चीज़ पूछी जाती है, या फिर पूछा जाता है कि कितना कम वे करेगी। दो चीज़ों का डिफरेंस ये होता है जब भी ज़्यादा या कम किसी चीज़ से पूछा जाता है। तो जब डिफरेंस होता है तो हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग माइनस कर देंगे। कब करा जाता है माइनस? जब आपको कंपेयर करने की, आपसे तुलना करने की बात की जाती है कि आपके फ्रेंड का वेट आपसे कितना ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? अपने फ्रेंड का वेट पूछेंगे। अपना वेट आपको पता होगा, उन दोनों के वेट को, फ्रेंड के वेट को अपने वेट में से हम माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा उतना वेट आपके फ्रेंड का आपसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक शार्क का वेट और 12 बच्चों के वेट में कितना अंतर होता है वो बताना है। तो देखिए अबाउट हाउ मच मोर, श्वेल शार्क का वेट कितना ज़्यादा है, तो अंतर बताना है। वेट शार्क, जो शार्क होती है उसका वेट होता है 16,000 kg, 12 बच्चों का वेट हमने 420 kg निकाला था, तो माइनस कर देंगे हम लोग 16,000 को 420 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,580। तो देखिए 16,000 यहाँ पे लिख लेते हैं और हमारा 420 से माइनस कर देते हैं, तो ज़ीरो से ज़ीरो गया तो ज़ीरो बचता है, फिर ज़ीरो और टू है, फिर यहाँ पे 0 और 4 है, ये 6-1 है। तो देखिए हमें कैरी लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला बड़ा है। जब भी नीचे वाली डिजिट बड़ी होती है ऊपर वाली से तो हम कैरी लेते हैं, तो उससे पहले इससे कैरी लेंगे, तो ये कट के क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। इधर कैरी जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब क्या है, अब हमें पहले यहाँ से ऑपरेशन लगाना होता है, तो 10 कट के क्या हो जाएगा? 9, और इधर जाएगा ये हो जाएगा 10। तो 10 - 2 हो जाएगा क्या? 8। फिर यहाँ 9 बचा था, 9 - 4 हो जाएगा क्या? 5। फिर यहाँ पे 5 बचा था, तो यहाँ पे तो नीचे कुछ है नहीं, 5 ऐसे उतर जाएगा और नीचे 1 ऐसे आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 15580। तो 16,000 - 420 हो जाएगा हमारा 15,580 kg। तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा ये। अब जो पेज नंबर 5 और 6 पे है एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो देखते हैं। तो देखिए फिशरमैन इन देयर बोट्स, अब हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी, आप लोगों में से किस किस ने समुद्र देखा है? वेयर डिड यू सी इट, कहाँ पर आपने उसे देखा है? डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर अ रियल, क्या आपने उसे सिर्फ और सिर्फ एक मूवी में देखा है या फिर आपने सचमुच में देखा है? तो हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, आपको क्या लगता है कि सी जो है, समुद्र जो है वो कितना गहरा होगा, ये हमें पता लगाना है। तो आप कह सकते हैं कि मैंने जो सी है वो, आई हैव सीन द सी एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑल्सो सीन द सी, मैंने भी समुद्र देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी। आई हैव सीन द सी एट पुरी ड्यूरिंग अ ट्रिप, तो आपने जहाँ भी देखा हो, पुरी में देखा हो, आपने गुजरात में देखा हो, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जहाँ के भी आप हो, आप वहाँ बता सकते हैं कहाँ देखा है। आई हैव ऑल्सो सीन द सी इन द मूवी, मूवीज़ में भी देखा है। द सी शुड बी एटलीस्ट 1,000 feet डीप, और आपको क्या लगता है कितना गहरा होगा? तो कम से कम 1,000 feet तो जो है सी गहरा जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू नो हाउ टू स्विम, वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, आप क्या स्विम करना जानते हैं? स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना, तो क्या आपको डर लगता है बहुत ऊंची ऊंची जो समुद्र की लहरें आती हैं, सी वेव्स होता है समुद्र की लहरें, तो ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें आती हैं, क्या आप उन्हें देख के डर जाते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा येस आई नो हाउ टू स्विम, मुझे आता है स्विम करना, और हाँ मुझे देख के डर भी लग जाता है, आप कह सकते हैं द हाई वेव्स कैन बी स्केरी, डरावनी हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट है क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विद सी, तो आप ये कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सुंदर लगेगा, इस टाइप से बोल सकते हैं। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो, वेव्स कितनी ऊंची जा सकती हैं? तो देखिए वेव्स इसमें हमने 50 meter लिखा है, मगर 50 meter से भी ज़्यादा ऊंची, 1 tsunami की जो वेव्स होती हैं वो बहुत ऊंची चली जाती हैं, 150 से 150 meter तक की हाइट तक वो पहुँच जाती हैं। फिर ये हो गए, तो मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन ही थे, सिंपल थे। अब देखिए पेज नंबर 7 पे हैं, अभी आते हैं मैथ्स वाले क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन है, दीज लॉग ऑफ, देखिए दीज लॉग बोर्ड्स डू नॉट गो वेरी फार। देखिए बुक आप खोल लीजिए पेज नंबर 7, तो आपको बुक में लॉग बोर्ड मिलेंगे। देखिए लॉग का मतलब होता है इस टाइप से, जो लकड़ी का एक पट्टा आप कह सकते हैं, जो तना होता है ना लकड़ी का, उसको हम लकड़ी का लॉग कहते हैं। इस तरीके की बोट होती है वो, उस पर लोग बैठ करके, और इस आप समुद्र मान लीजिए, और इसमें मतलब सेल करते हुए जाते हैं। सेल करने का मतलब होता है उस पर बैठकर आगे बढ़ते जाना, जैसे कि नाव बहती है। तो एक लॉग बोट है मतलब तने, पेड़ के तने की एक बोट है, वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाती। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल देन ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर विंड मतलब सही दिशा में चल रही है, उसी दिशा में चल रही है, तेज़ चल रही है जिस दिशा में जाना है, तो एक घंटे में 4 किलोमीटर वो बोट चल पाती है। लॉग बोट जो होती है सिर्फ मतलब लकड़ी की, जो एक तने की, गोल गोल सा बस तना होता है। आप अपनी बुक में खोल के देखिए, दिख जाएगी, उसमें पिक्चर दी हुई है। फिर क्वेश्चन आता है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो देखिए एक लॉग बोट 4 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। तो इन 1 आवर द बोट ट्रेवल 4 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगी, 2 × 4, तो 8 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी, है ना। एंड हाउ लॉन्ग विल इट गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, सॉरी 10 घंटे नहीं, पहले गलत बोल दिया था, 10 किलोमीटर कितनी देर में ये पहुँचेगी। तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 2 × 4, 8 किलोमीटर। फिर उसके बाद अब 2 किलोमीटर और हम लोगों को ट्रैवल करना है, तो कितना टाइम लगेगा। देखिए तो 2 घंटे तो हमें 8 किलोमीटर ट्रैवल करने में लग गए। आप अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो 1 का आधा कितना होता है, आधा होता है, 4 का हाफ कितना होता है, 2 होता है। तो हाफ़ किलोमीटर, सॉरी सॉरी, सो हाफ आवर में, आधे घंटे में जो है, हाफ आवर में ये 4/2 2 किलोमीटर ट्रैवल कर जाएगी। तो आपको हाफ़ करना है ना, तो देखिए 1 आवर में 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ हो जाएगा, तो हम 4 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो हाफ़ आवर में 2 किलोमीटर ट्रैवल कर जाएगी। तो हमें टोटल टाइम कितना लगा, तो हमें टोटल टाइम लगा 1 + 1 + हाफ, तो हमें लगे 2.5 आवर फॉर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। तो हमें कितना टाइम लगा 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में, 2 घंटा और आधा घंटा, मतलब 2.5 घंटा, 2.5 आवर हमें लगे 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में, क्योंकि 1 किलोमीटर में 4, फिर दूसरे किलोमीटर में फिर से 4, तीसरे किलोमीटर के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, 8 तो टोटल हो गए, हमें 2 किलोमीटर और जाना है, तो आधे घंटे में हम 2 किलोमीटर ट्रैवल कर जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है, गैस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। आपको गैस करना है, अगर आप तेज़ तेज़ चले तो आप 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर पाएंगे। तो हम 4 से 5 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं अगर हम लोग तेज़ तेज़ चलें तो। फिर आप पेज नंबर 8 खोल लीजिए अपनी NCERT बुक का, तो इसमें हमें बताना है, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। सन को देखना है और बताना है कि सन किस दिशा में से उगता है। तो देखिए सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट दिशा में से सन उगता है, आई सी द राइजिंग सन इन द ईस्ट, इस तरीके से ऑरेंज स्काई होता है, ये बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, फ्रॉम वेयर आर यू, वॉट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी। इंटरेस्टिंग थिंग की ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है मॉर्निंग सन, इस तरीके से। नेम टू थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट, आपके वेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें लाई करती हैं आप बोल सकते हैं। तो सेटिंग सन, सन जब डूबता है तो वेस्ट दिशा में डूबता है, तब ऑरेंज और रेड और ब्लू सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स। बुक में डिफरेंट टाइप ऑफ बोट आपको दे रखी हैं, सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। कुछ बोट में क्या होती है, मोटर होती है, और वो सी के, समुद्र के काफ़ी अंदर तक वो जा सकती हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन रीच मोर फिश, क्योंकि वो बहुत अंदर तक जा सकती हैं, तो वो बहुत सारी फिशेज भी आराम से पकड़ सकती हैं। दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर, स्पीड ऑफ बोट इज 20 किलोमीटर इन 1 आवर। मोटर बोट जो होती हैं उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो 20 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल कर जाती हैं। तो हमें बताना है, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर। तो मोटर बोट कितना दूर जाएंगी 3.5 आवर में, हमें ये बताना है। तो देखिए 1 आवर में मोटर बोट जाती है 20 किलोमीटर, 3 आवर में कितना जाएंगी, जैसे हमने पहले किया था
उस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आर में जाएगी, 3 × 20 किलोमीटर। 1 आर में दे रखा है, 3 आर में निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 20 किलोमीटर, 3 × 2 = 6 और आगे 0 ऐसे ही बढ़ा देते हैं हम, तो 3 × 2 = 6, 60 हो जाएगा यहाँ पे। 1 आर में जाती है 20 किलोमीटर, 3 आर में जाती है 3 × 20 = 60 किलोमीटर। हाफ आर में कितना जाएगी, 1 आर में 20 जा रही है तो 1 के नीचे भी 2 लगा दिया डिवाइड में, 2 के नीचे भी डिवाइड में 2 लगा दिया, तो हाफ आर में जाएगी 10 किलोमीटर। तो 3 आर में टोटल कितना जाएगी, 1 आर में कितना जाती है, 1 आर में जाती है 20 किलोमीटर, 3 आर में कितना जाएगी, 20 + 20 + 10 हो जाएगा ना हमारा, तो 3 आर में हम लोगों की ट्रैवल कर जाएगी, 3 आर में हमारी कितना हो जाएगी, देखिए एक मिनट रुकिए, यहाँ पे देखिए 1 आर में 20 जा रही है, 1 आर में जा रही है 20, 2 आर में फिर से 20, 3 आर में फिर से 20 और हाफ आर में, तो 20 का हाफ 10, आप प्लस करके भी कर सकते हैं, 20 + 20 = 40 + 20 = 60 + 10, तो ये हो जाएगा 70। दूसरा ये तरीका मैंने आपको बता दिया, एक तरीके से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 3 × 20 = 60, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 3 घंटे में 3 × 20 = 60 किलोमीटर, हाफ आधे घंटे में 20 का हाफ 10 किलोमीटर, और फिर सबको इन सबको 60 + 10 ऐड जब हम कर देंगे तो 70 किलोमीटर, 3.5 आर में 70 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर, अब देखिए 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर रही है, 20 किलोमीटर, तो 85 किलोमीटर जाने के लिए कितना ट्रैवल करेगी, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना 40, 3 आवर्स में 60, 4 आवर्स में क्या हो जाएगा 80, तो और 5 हमें करना है ना, तो देखिए 85 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए जब वो 1 घंटे में 20 करती है तो 4 घंटे में कितना करेगी, 80 + 5, हमें ऐसे करके लेके आना है ना, ये बनाना है, तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो 5 रिमाइंडर बच रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे में कितना ट्रैवल करती है, 20, इस 20 को हमें 5 बनाना है, तो हम लोग 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि तो बोट हमें कैसे 4 घंटा और 15 मिनट ट्रैवल करेगी। अब 15 मिनट कहाँ से आ गया भाई, देखिए 4 घंटा तो आपको समझ आ गया होगा, 4 × 20, 4 × 2 = 8, तो क्या हो गया 80। अब हमें 5 और बनाना है, तो मतलब 5 किलोमीटर और ट्रैवल करवाना है हमें, है ना, अब देखिए 1 घंटा में ट्रैवल करती है 20 किलोमीटर, आधे घंटे में ट्रैवल करेगी 10 किलोमीटर, और इसका भी आधा करना है ना हमें, है ना, तो 2 1/2 को × 2 करेंगे, है ना, और 10 को भी / 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10/2 = 5, और ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 टाइम में क्या होगा, 5 किलोमीटर ट्रैवल होगा। अब 1/4 टाइम क्या होता है, तो देखिए जब आपको 1/4 करके दिया जाए तो 1 घंटे का 1/4 भाग इस टाइप से हम लोग देखने को मिलेगा हमें, 1 घंटे का, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसका 1/4 भाग 4 से डिवाइड करेंगे जब हम, तो हमारे पास आ जाएगा 15। ऐसे हम लोगों को पता लगा कि 15 मिनट्स, तो 15 मिनट में वो ट्रैवल करेगी कितना, कितना ट्रैवल करेगी वो 15 मिनट में, 5 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में कितना ट्रैवल करती है, 20 किलोमीटर, तो 15 + 15 + 15 + 15 ऐसे करके 60 बनता है, तो इस तरीके से 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है और 15 मिनट्स में वो 5 किलोमीटर ट्रैवल कर जाएगी। तो ये थोड़े से टिपिकल हो गए हैं, आपको अगर थोड़ा सा डाउट होता है तो आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 80 किलोमीटर तक तो इजीली हमने निकाल लिया, क्योंकि 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 4 घंटे में 80 किलोमीटर, है ना, और फिर बचा 5, तो 85 किलोमीटर कैसे, तो 5 किलोमीटर जो है आप हाफ हाफ करके निकालिए, जब 1 घंटे में 20 किलोमीटर कर रही है ट्रैवल, है ना, तो हाफ आर में आधे घंटे में 10 किलोमीटर, फिर 10 का भी जब हम हाफ करेंगे और तो टाइम का भी हाफ कर देंगे, तो 15 मिनट्स में जो है वो 5 किलोमीटर ट्रैवल कर जाएगी। नेक्स्ट है विच बोट्स गोज हाउ मच, तो एक हमें टाइम इसमें दिया हुआ है, एक ट्रिप है लॉग बोट, लॉग जो बोट है वो धीरे चलती है, अबाउट 20 kg ऑफ फिश, लॉग बोट लेके आ सकती है 20 kg फिश, मगर जो दूसरी टाइप की बड़ी बोट्स हैं वो मतलब कितना कितना कैच करके ला सकती हैं फिशेस को, वो हमें दे रखा है टेबल में शो कर रखा है, फिर
The table also shows the speed of each type of boat, which is how far each boat goes in 1 hour. Look at the table and the calculate. तो देखिए log boat जो है वो कितनी catch fish करती है, मतलब fish जो होती हैं, catch of fish का मतलब होता है मछली को पकड़ना. तो log boat जो है वो 20 किलो मछली को पकड़ सकती है, long tail boat 600. तो इस तरीके से हमें दे रखा है. अब हमें स्पीड भी दे रखी है इनकी, कितनी फिशेस लेके आएंगी और क्या स्पीड होगी, ये हमें दे रखा है. तो ये टेबल गिवन है ना, इसके बेसिस पे हमको क्वेश्चन आंसर्स के, मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. तो पहला क्वेश्चन बनता है अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंक इन 7 स्टेप. तो मतलब सारी बोट 7 स्टेप अगर जाएंगी, 7 बार घूम करके आएंगी तो कितनी फिश लाएंगी. तो देखिए 7 फिश लाने के लिए, देखिए एक हम एक टेबल अलग से बना रहे हैं. यहाँ पे क्या था, पहले कैच फिश कितनी थी वो दिया हुआ था, यहाँ स्पीड ऑफ बोट दे रखी थी. तो स्पीड ऑफ बोट का इस वाले क्वेश्चन में काम नहीं है, हमें बताना है कि कितनी फिश लेकर के आएंगी 7 बार अगर वो जाएगी. तो जो भी हमें गिवन है, जैसे कि इसको हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, क्योंकि एक राउंड की है, हमें 7 राउंड की निकालनी है. हर किसी को हमने सिर्फ और सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है. 7 × 2 = 14 × 140, फिर 6 × 7 = 42, ऐसे करके निकाल देंगे. तो देखिए यहाँ पे करा हुआ है, तो हमने इन सबको क्या करा है, सिंपली 7 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक टिप का बता रखा था कि एक बार जाके इतनी, तो 7 बार जाके कितनी, तो 7 से मल्टीप्लाई सबको. तो सबको जब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 2 = 14, 0 लगा दिया. 6 × 7 = 42, 2 0 थे, 2 0. 7 × 7 = 56, और ये गलत है, यहाँ पे 7 × 56 5600 kg आएगा. यहाँ पे एक और 0 आना है, 00 kg, तो यहाँ पे आएगा ये वाला 5600 kg आएगा. यहाँ फिर से 7 से मल्टीप्लाई होगी, तो 6 × 7 = 42, 42000 kg हो जाएगा. ठीक हो गया. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको 7 से मल्टीप्लाई करना है. अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स. तो देखिए टाइम हम लोगों को दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा था, एक घंटे में कितना कितना ट्रैवल कर रही हैं, तो एक घंटे में इतना इतना ट्रैवल कर रही हैं. 6 घंटे में कितना कितना ट्रैवल करेंगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, बस ये करना है मल्टीप्लाई. तो हमने देखिए 6 घंटे में हर बोट कितना ट्रैवल करेगी, 6 से मल्टीप्लाई कर रखा है. 6 × 4 = 24, 12 × 6 = 72, 26 × 120, और 22 × 6 = 132. कितना ट्रैवल करेगी हर बोट 6 घंटे में, ये हमारा आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ टेल बोट हैज़ टू ट्रैवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक. अगर टेल बोट को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो उसको कितना टाइम लगेगा. तो देखिए 12 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा लग रहा है, तो 60 किलोमीटर जाने में क्या लगेगा, 12 × 6 = कितना होता है आप बताइए, 12 × 5 = कितना होता है वो भी बताइए. तो कैसे करेंगे हम लोग, एक बोट को अगर एक, मतलब स्पीड ऑफ बोट 1 घंटे में टेल बोट 12 किलोमीटर ट्रैवल करती है, 1 घंटे में एक बोट जो है वो 12 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है. ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए, क्या पूछा गया है हमसे, 60 किलोमीटर उसे ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसे अगर 60 किलोमीटर ट्रैवल करने हैं तो उसे कितना टाइम लगेगा 60 किलोमीटर ट्रैवल करने में, हमें ये बताना है. तो कैसे करेंगे हम लोग को, सिंपल करना है बिल्कुल, 60 को 12 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितना टाइम आएगा, 5 आवर. एक फॉर्मूला होता है, देखिए टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला. तो टाइम कितना है हमारे पास, टाइम हमें निकालना है. डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास 60 किलोमीटर. स्पीड कितनी है हमारी, 12 किलोमीटर पर आवर. 12 से डिवाइड करेंगे, 12 × 5 = 60. तो फॉर्मूला ये देखिए, ये फॉर्मूला है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर हमें टाइम निकालना है कि कहीं पर जाने पे कितना टाइम लगा है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, दूरी दी हुई है कितनी 60 किलोमीटर, स्पीड ऑफ बोट हमें कितनी दे रखी है, ये देखिए यहाँ पर स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर ट्रैवल करेगी. तो 60 किलोमीटर कितने घंटे में ट्रैवल करेगी, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस 60 है, स्पीड हमारी 12 है, डिवाइड कर दिया 5 आवर, तो 60 किलोमीटर ट्रैवल करने में 5 घंटे लगेंगे. तो देखिए अब इसका, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, अब जो आगे वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. थैंक यू.